नमस्कार दोस्तों, ट्रक जंक्शन के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम आप तक पहुंचाते हैं ट्रक्स की दुनिया की नई और सटीक जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स शक्तिमान 400 के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से ट्रक जंक्शन के चैनल को सब्सक्राइब करें और आप तक सभी जरूरी नोटिफिकेशंस पहुंचे उसके लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आपको बता दें कि फोर्स शक्तिमान 400 ये एक मिनी ट्रक है, जिसे उन्नत तकनीकी समाधानों के साथ निर्मित किया गया है, जो देता है हाई परफॉर्मेंस और जो इसे बनाता है एक बेहतरीन कॉमर्शियल व्हीकल। आपको बता दें कि फोर्स शक्तिमान 400 में आपको HSD यानी कि हाई साइड डेक और FSD यानी कि फिक्स्ड साइड डेक दोनों ही वेरिएंट मिल जाते हैं। इसके लुक की अगर हम बात करें तो ये मिनी ट्रक सामने से ट्रैवलर की तरह दिखता है। सामने की तरफ आपको बड़ी सी विंडशील्ड दी गई है, दो वाइपर्स आपको मिल जाते हैं, रियर साइड व्यू मिरर दिए गए हैं, फ्रंट माउंटेड इंजन इसमें दिया गया है। आपको बता दें कि इसका सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल कैबिन यानी कि इसका जो इंजन होता है वो ड्राइवर कंपार्टमेंट के आगे दिया गया है, जिससे ये आपकी सेफ्टी को भी बढ़ाता है और साथ ही रिपेयर में काफी आसानी रहती है। नीचे की तरफ आपको क्रोम फिनिश के साथ फोर्स की खूबसूरत सी बैजिंग और कंपनी का लोगो देखने को मिल जाता है। दोनों साइड पर आपको इंडिकेटर्स और तेज रोशनी वाली हेडलाइट्स मिल जाती है और नीचे की तरफ आपको काफी मजबूत बम्पर दिया गया है। दोस्तों, बात करें फोर्स शक्तिमान 400 के इंजन की, तो इस मिनी ट्रक में आपको FM 2.6 CR 2596 cc का 4 सिलेंडर कॉमन रेल BS4 इंजन मिल जाता है, जो 90 HP के मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 2800 RPM पर। टॉर्क की बात करें तो इसमें मिलता है 250 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क 1400 से 2400 RPM पर। इसमें आपको मिलता है मैनुअल टाइप फुली सिंक्रोमेश ट्रांसमिशन, जो 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स के गियर्स के साथ आता है। इस मिनी ट्रक में आपको फ्रंट एक्सल डेड रिजिड और रियर एक्सल लाइव रिजिड मिल जाता है। फोर्स शक्तिमान 400 के सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट हमें सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर्स के साथ दिया गया है और इसके रियर एक्सल पर आपको सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर्स के साथ दिया गया है। दोस्तों, इस गाड़ी के फ्रंट एक्सल पर आपको एंटी रोल बार देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इसके रोबस्ट सस्पेंशन और फुली फ्लोटिंग रियर एक्सल इसके लोड कैरिंग एबिलिटी को इनहेंस्ड करता है। अब बात करते हैं इसके ब्रेक्स की, तो इस गाड़ी में आपको हाइड्रोलिक डुअल सर्किट वैक्यूम असिस्टेड सर्विस ब्रेक्स दिए गए हैं, जिसमें फ्रंट आपको ड्रम ब्रेक्स के साथ और रियर एक्सल पर आपको ड्रम ब्रेक्स LCRV यानी कि लोड कॉन्शियस रेगुलेटिंग वॉल्व के साथ दिए गए हैं। इसके ब्रेक्स आपको देते हैं कमाल की सेफ्टी। दोस्तों, बात करें फोर्स शक्तिमान 400 के स्टेयरिंग की, तो इसमें आपको मैकेनिकल व पावर स्टेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। टर्निंग रेडियस 6 मीटर का दिया गया है। बात करें इनके टायर्स की, तो नंबर ऑफ टायर मिलते हैं इसमें 4। इसमें आपको फ्रंट और रियर टायर 8.25x16 के साइज में 16 PR यानी कि प्लाई रेटिंग के साथ मिल जाते हैं और इसमें आपको मिलता है 70 लीटर की डीजल फ्यूल टैंक कैपेसिटी। इसके सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ड्राइवर के साथ 2 पैसेंजर की सीटिंग के साथ आपको मिलता है स्पेशियस कैबिन और एर्गोनॉमिकली लोकेटेड कंट्रोल्स। फोर्स शक्तिमान 400 के डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लंबाई 5170 mm की, चौड़ाई 2030 mm, हाइट 2930 mm, व्हील बेस 3100 mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 227 mm का मिल जाता है। दोस्तों, इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 6100 किलोग्राम का ग्रॉस व्हीकल वेट और 3500 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी। तो दोस्तों, ये थी फोर्स शक्तिमान 400 के बारे में जानकारी, जो हमारे ख्याल से एक बेहतरीन कमर्शियल व्हीकल है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रक से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ट्रक जंक्शन के साथ बने रहिए।